कैसे एक बटन सिलें। बटन सिलना बहुत सरल है। बटन अक्सर गिर जाते हैं, इसलिए यह एक उपयोगी कला है। आज बटन लगाना सीखते हैं। सबसे पहले बटन और तागा चुनें। एक उपयुक्त बटन और तागा चुनें। ध्यान रखें कि तागा बटन कपड़ा और अन्य बटन सिलने के लिए इस्तेमाल करे गए तागे से मैच करे। जल्दी काम करने के लिए आप चाहें तो तागे को दोहरा या डबल कर सकते हैं। उसके बाद सुई में तागा पिरोएं। तागे को सुई में से निकालें और उसके दोनों ओर बराबर लंबा तागा रखें। उसके बाद तागे के अंत में एक गांठ डालें। आप तागे को अपनी उंगली के चारों ओर लपेटें, अपनी उंगलियों के बीच में गोल गोल घुमाएं और कसके खींचकर गांठ बनाएं। नहीं तो अगर आपने डबल तागा लिया है तो उनके अंतिम हिस्से साथ में बांधें। बटन सिलने के लिए आप चाहे तागे को डबल करें या अकेला इस्तेमाल करें, दोनों परिस्थितियों में नीचे तागे का लंबा सिरा छोड़ें। उसके बाद बटन को कपड़े पर सही जगह पर रखें। बटन को कपड़े के अन्य बटनों के साथ पंक्तिबद्ध करें। बटन होल जांचें। सामने के फ्लैप या पट्टी को बंद करके पक्का करें कि बटन होल की सीध में है। उसके बाद सुई और तागे को कपड़े और बटन के एक छेद में से निकालें। प्रत्येक स्टिच बनाने के बाद पूरे तागे को बाहर खींचें। उसके बाद एक सीधा पिन रखें। बटन के नीचे आपने जो स्टिच बनाई है और जो स्टिच बनाने जा रहे हैं उनके बीच में एक सीध पिन रखें। ऐसा करने से बटन बहुत कसा हुआ नहीं लगेगा। फिर सुई को दूसरे छेद में डालें और कपड़े में से नीचे निकालें। पूरे तागे को बाहर खींचें। इस समय बटन को सही जगह पर पकड़े रहना अच्छा है। उसके बाद प्रक्रिया को फिर से शुरू करें। सुई को फिर से पहले छेद में से ऊपर लाएं और तागे को कपड़े में से पूरा बाहर निकालें। उसके बाद बटन को पक्का करें। सिलाई को कई बार दोहरा कर बटन को पक्की तरह सिलें। उसके बाद आखिरी स्टिच करते समय सुई को बटन के छेद में न डालें, सिर्फ कपड़े में डालकर निकालें। उसके बाद सीधा पिन हटाएं। उसके बाद तागे को लपेटें। बटन और कपड़े के बीच के तागे के चारों ओर 6 बार तागा लपेटकर अपनी सिलाई को पक्का करें। उसके बाद सुई को कपड़े में से नीचे की ओर डालें। उसके बाद 3 या 4 स्टिचेस करके तागे को पक्का करें। बटन के नीचे स्टिचेस को आगे पीछे ले जाकर पक्का करें। तागे को बांधें। उसके बाद अधिक तागे को काटें।